निर्भया केस हुआ 2012 में, आज फिर से वही हुआ, प्रियंका रेड्डी, ऐसे कितने नाम लिए जा सकते हैं और ऐसी कितनी औरतें हैं जो इस समय भी कोई ना कोई मुसीबत में फंसी होंगी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। माय पॉइंट इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस। आज हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन ओवरनाइट हो सकता है, वहाँ पे सीएम्स ओवरनाइट बन सकते हैं, वहाँ पे रूल्स ओवरनाइट बन सकते हैं, तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या हम ऐसे दोषियों को ओवरनाइट पब्लिकली लोगों के सामने जला नहीं सकते हैं? ऐसे कितने बार होता है कि हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है? ये इंसिडेंसेस ऐसे नहीं होते, जब भी कोई रेपिस्ट या जब भी कोई इंसान ऐसी हरकत को ये करता है उसको पता होता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते कि हम आज तुमने ऐसा किया ना कल ही तू मरेगा? इससे कम से कम वो लोग जो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बट अब भी ये मान नहीं रहे कि उनको कोई पकड़ सकता है, उन तक ये मैसेज पहुंचेगा। मैसेज उनको चाहिए जिन तक ये बात पहुंच ही नहीं पा रही है कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कभी कोई कुछ भी करके चले जाता है, उनको लगता है एक बार हाथ लगा लूंगा लड़की को तो क्या होगा, और ये ऐसे करते करते ही बढ़ रहा है। टू गवर्नमेंट, व्हाई कांट वी डू समथिंग लाइक बांग्लादेश? दे हैव रिसेंटली गिवन डेथ पेनल्टी टू 16 पीपल। टू ऑल माई ब्रदर्स सिस्टर्स, जो मैंने प्लेज लेते हुए बोला था कि इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेन प्लस वुमेन में है। दोनों जेंडर मिलके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। कैसे? आपको दिखता है कि आपका कोई दोस्त ऐसा है जो लड़कियों पे बुरी नजर रखता है, तो आपको उसके हाँ में हाँ मिलाना नहीं चाहिए या उसके साथ मजे लूटने नहीं जाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं भी कि कोई लड़की फंसी हुई है, या रात को आप 2 बजे 1 बजे ट्रेवल कर रहे हो, प्लीज बी विजिलेंट एंड ट्राई टू हेल्प दैट गर्ल, बिकॉज दैट गर्ल कैन बी योर सिस्टर समडे, कैन बी योर वाइफ, कैन बी योर गर्लफ्रेंड, कैन बी योर मदर। जस्ट इमेजिन एक लड़की और 4 लड़के, कैसा फील होता होगा उस लड़की को उस समय, बियॉन्ड इमेजिनेशन। बहुत हो चुका है, गवर्नमेंट करे या नहीं करे, आई थिंक बॉयज प्लस गर्ल्स, मेन प्लस वुमेन, हम लोग मिलके थोड़ा सा विजिलेंट बने। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ मोमबत्तियों से नहीं, अपनी अपनी सोच में उजाला फैलाओ, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, बट अपने अपने दोस्तों में इंसानियत फैलाओ। थैंक यू।